आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके जो डेरिवेटिव्स हैं, उनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 2019 में जेईई मेंस में पूछे गए हैं और प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास कुछ कंपाउंड्स दिए हैं, अमाइड्स गिवन है, ईस्टर्स गिवन है, एनहाइड्राइड्स गिवन है और असाइल क्लोराइड्स गिवन है, ठीक है। हमें बोला है कि इनकी जो रिएक्टिविटी होगी LiLH4 के साथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। मतलब अगर हमें इनकी रिडक्शन करनी है तो यहाँ पे LiAlH4 के साथ इनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगी, हमें वो बतानी है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब LiAlH4 किसी कार्बोनिल के साथ रिएक्ट करता है तो वो किस तरीके से रिएक्शन होती है, उसका मैकेनिज्म क्या है। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं सपोज ईस्टर की, ठीक है, जब क्या होता है ये LiAlH4 के साथ रिएक्ट करता है, LiAlH4 के साथ, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, AlH बॉन्ड्स प्रेजेंट है 4 माइनस Li प्लस। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे जो ये AlH के बॉन्ड है, ये क्या करता है, अपने AlH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बोनिल को डोनेट करता है, ठीक है। और जब ये डोनेट करेगा तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पे CH बॉन्ड बनना शुरू होगा, इस वजह से ये पाई बॉन्ड टूटेगा और इसके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे ऑक्सीजन पे, ठीक है। तो जब इसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चले गए तो O- बन जाएगा। अब क्योंकि AlH बॉन्ड ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया है तो यहाँ पे एल्यूमिनियम पे भी कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी क्रिएट हुई है, ठीक है। तो फिर से क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये क्या करता है, इस एल्यूमिनियम पे उसकी डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए अटैक कर देता है, ठीक है। तो क्या बनेगा, कुछ इस तरीके का यहाँ पे इंटरमीडिएट बनता है RC, यहाँ पे CH बॉन्ड बन जाएगा क्योंकि AlH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हुए और ये हाइड्रोजन जो है इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, O- AlH3, ठीक है, और OET as it is, ठीक है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये फिर से चाहेगा कि ये कार्बोनिल यहाँ पे पाई बॉन्ड बना ले, तो जब ये पाई बॉन्ड बनाएगा फिर से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और OET as a लीविंग ग्रुप निकल जाएगा। मतलब कि हो क्या रहा है, सबसे पहले LiLH4 में ये जो LiLH4 है ये एक न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है, सबसे पहले ये क्या कर रहा है, अपने AlH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को इस कार्बोनिल को डोनेट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है, तो जितनी जल्दी ये AlH बॉन्ड डोनेट करेगा उतना ही रेट ज्यादा होगा, या फिर यहाँ पे जितनी ज्यादा डेफिशिएंसी होगी उतनी ही जल्दी ये AlH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डोनेट हो पाएंगे। मतलब कि जितनी ज्यादा कार्बोनिल पे डेफिशिएंसी होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, रेट होगा। क्यों, क्योंकि ये एक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट कब फास्ट अटैक करेगा, जब उस सेंटर पे क्या होगी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगी। जितनी यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगी उतनी जल्दी ये अटैक करेगा और उतना ही ज्यादा रेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे चार ग्रुप्स लगे हुए हैं, यहाँ पे लगा हुआ है NH2, यहाँ पे OCH3 है, यहाँ पे Cl ग्रुप है और यहाँ पे OCOC2H5 ग्रुप है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये जो NH2 ग्रुप है ये क्या कर सकता है, ये इस रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है, मतलब ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है, ये भी कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है और रेजोनेंस के थ्रू कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो Cl ग्रुप है, इस Cl का माइनस आई ज्यादा डोमिनेंट होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू इट्स प्लस एम इफेक्ट, ठीक है, आप सभी को पता होगा ये। तो Cl जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा और इस सेंटर की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को क्या कर देगा, बहुत ही ज्यादा बढ़ा देगा, ठीक है। इस ग्रुप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी ये जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देगा, ठीक है। तो देखो सबसे ज्यादा रेट किस में होना चाहिए, इस सी वाले में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो Cl इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा और इस वजह से इस कार्बोनिल ग्रुप की जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है, यहाँ पे इस कार्बन की जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो बढ़ जाएगी और जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है वो जल्दी अटैक कर सकता है, इसलिए जो सबसे ज्यादा रेट होगा वो तो होगा सी का, ठीक है। अब देखो ये तीनों ही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, तो जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा वो क्या करेगा, रिएक्टिविटी को उतना डिक्रीज कर देगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा उतनी इस कार्बन पे जो डेफिशिएंसी है, जो इसका इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, OCH3 और यहाँ पे OCOC2H5। अब नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू, तो ये ज्यादा बेटर रिलीजिंग ग्रुप है एज कम्पेयर टू दिस वन।
अब इन दोनों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो, ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है वो इस साइड भी डोनेट हो सकते हैं, मतलब कि ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है वो इस कार्बोनिल पे डोनेशन के लिए कम अवेलेबल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर यहाँ भी रेजोनेंस कर सकते हैं और यहाँ पे भी ये डोनेट हो सकते हैं, ठीक है, इसके साथ भी रेजोनेंस कर सकते हैं, लेकिन ये जो लोन पेयर है वो सिर्फ इसी कार्बोनिल पे क्या हो रहा है या डोनेट हो रहा है, ठीक है। तो मतलब कि इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें यहाँ पे, तो ये जो लोन पेयर है वो यहाँ पे वो यहाँ पे जो होंगे हमेशा डोनेट नहीं होंगे, वो कभी कभी यहाँ पे भी रेजोनेंस शो करेंगे, लेकिन ये जो लोन पेयर है वो हमेशा यहीं पे रेजोनेंस शो करेंगे। तो यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगी, जो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा वो ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है वो हमेशा यही डोनेट कर रहे हैं, लेकिन इसके केस में ये जो लोन पेयर है वो यहाँ भी रेजोनेंस शो कर सकते हैं और यहाँ भी, तो एक बार ये यहाँ शो करेंगे, एक बार यहाँ शो करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, इसका जो इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर है इस कार्बन का वो ज्यादा होगा, इसलिए इसका रेट जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब कि सबसे ज्यादा रेट किसका होगा, सी का, देन डी का, एंड देन बी का, और लास्ट में, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ऑक्सीजन से कम ही होती है, इस वजह से जो ए है हमारा, इसका रेट जो होगा वो क्या होगा, लीस्ट होगा। तो हमारा ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले सी, क्योंकि यहाँ पे सीएल क्या है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है ये, इस वजह से इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बहुत ज्यादा होगी। जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग ग्रुप है, जो कि न्यूक्लियोफाइल की तरह पहले इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, वो इजिली यहाँ पे डोनेट कर पाएगा, जो हमारी रिएक्शन होगी वो क्या होगी, इजिली होगी, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन, अगर ऑप्शन में देखें तो हमारा आंसर होगा सी, देन डी, देन बी, देन ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। और वैसे अगर हम लीविंग ग्रुप की बात करें तो देखो, लीविंग ग्रुप जो है, लीविंग ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पे Cl- सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप है, क्योंकि यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज है इसके d ऑर्बिटल्स में जाके स्टेबलाइज हो जाता है। उसके बाद हमारा लीविंग ग्रुप कौन सा अच्छा है, OCOC2H5। क्यों? क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस तरीके से रेजोनेंस करके स्टेबलाइज हो जाता है। उसके बाद कौन सा लिविंग ग्रुप अच्छा है, OCH3, देन है NH2। OCH3 क्यों बेटर है, क्योंकि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। तो अगर हम लिविंग ग्रुप का ऑर्डर देखें तो लिविंग ग्रुप का ऑर्डर भी क्या है, सेम है। तो जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, रिएक्शन का रेट क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। तो दोनों तरीके से हम बता सकते हैं कि जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगी वो क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शन में मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म के बेसिस पे आप बता सकते हैं कि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा। ये क्वेश्चन 2019 में जेई मेंस में 12 जनवरी को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, और पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है यहाँ पे एडिशन, और दूसरा स्टेप क्या है यहाँ पे, एलिमिनेशन। तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वाया एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि हमारे पास रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है, हमें रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, हमारे पास ये रिएक्टेंट गिवन है, और हमारे पास क्या गिवन है, NaOH यानी कि बेस गिवन है, और हमें हीट करने को बोला है बाद में, ठीक है। तो बेस, जब भी बेस आ जाए तो देखो, क्या यहाँ पे कोई एसिडिक हाइड्रोजन है जो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है वो बेस? तो हम चेक करते हैं यहाँ पे कौन कौन सी एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, और ये जो बेस है ये कौन सी एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो जब हम क्या करते हैं, इसमें ये बेस NaOH यानी कि OET- ऐड करेंगे, तो यहाँ पे जो भी एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगी, OET- क्या करेगा, उस एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके ले जाएगा। तो देखो कौन कौन सी एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे एक ये एसिडिक हाइड्रोजन पॉसिबल है, एक ये एसिडिक हाइड्रोजन पॉसिबल है, एक ये भी एसिडिक हाइड्रोजन पॉसिबल है, क्योंकि जो कार्बोनिल के साथ जो अल्फा कार्बन वाली हाइड्रोजन होती है वो सभी क्या होती है, एसिडिक होती है। क्यों? क्योंकि वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाती है, ठीक है। तो देखो, अब ये जो बेस है ये कौन सी एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। देखो, अगर यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो ये इस कार्बोनिल पे स्टेबलाइज तो हो जाएगा, लेकिन ऑलरेडी इसके साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है, ये ऑक्सीजन इधर से रेजोनेट कर रहा होगा। मतलब कि अगर ये ऑक्सीजन इधर से रेजोनेट कर रहा है तो इस कार्बन आयन जो यहाँ पे हाइड्रोजन लूज करने के बाद बनेगा, उस कार्बन आयन को तो रेजोनेट करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। मतलब इस हाइड्रोजन की जो एसिडिटी है वो बहुत ही कम है। क्यों कम है? क्योंकि इससे बनने वाला जो कार्बन आयन है वो स्टेबलाइज ही नहीं हो पा रहा। किसी भी हाइड्रोजन को हम एसिडिक कब बोलते हैं, जब उससे बनने वाला कार्बन आयन स्टेबलाइज हो जाए, चाहे वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, चाहे वो माइनस आई इफेक्ट स्टेबलाइज हो रहा है। अब यहाँ पे कार्बन आयन तो बन जाएगा, लेकिन क्योंकि ये जो OET ग्रुप लगा हुआ है, ईस्टर ग्रुप लगा हुआ है, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर यहाँ पे रेजोनेट कर रहे हैं,
और इस कार्बन आयन को रेजोनेट करने का वो टाइम ही नहीं मिलेगा, इसलिए ये हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होगी। इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट एसिडिक तो होगी, लेकिन ये जो हमारा बेस है ये सबसे पहले क्या करेगा, जो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन है उसी को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। अब बचे ये दोनों हाइड्रोजन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर वो ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करता है, एक बार ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करता है, तो ये जो हाइड्रोजन है हमारी, ये हाइड्रोजन अगर वो एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, तो उसके बाद कुछ ना कुछ अटैक होगा, ठीक है। ये कार्बन आयन बन गया, ये कार्बन आयन क्या करेगा, किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे जाके अटैक करेगा। अब अगर वो यहां अटैक कर रहा है, ठीक है, यहां अटैक कर रहा है, तो यहां पे थ्री मेंबर्ड की रिंग बनेगी, और थ्री मेंबर्ड रिंग तो स्टेबल ही नहीं होती, यानी कि वो बेस इस हाइड्रोजन को भी एब्स्ट्रैक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब बची ये हाइड्रोजन, तो ये बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहां पे कार्बन आयन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब कार्बन आयन फॉर्म हो गया, अब ये कार्बन आयन क्या करेगा, इस मॉलिक्यूल में कोई ना कोई ऐसा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ढूंढेगा जहां पे ये जाके अटैक कर सके, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो कार्बन आयन है इस कार्बोनिल ग्रुप पे जाके अटैक करेगा, क्यों, क्योंकि यहां पे ये कार्बोनिल में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इस कार्बन पे क्या प्रेजेंट है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है और ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। ये कार्बन आयन यहां जाके अटैक करेगा, और जब ये अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा और इसके इलेक्ट्रॉन्स कहां ट्रांसफर हो जाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे ऑक्सीजन पे। तो कुछ इस तरीके का हमारा इंटरमीडिएट बनेगा यहां पे, यहां पे ये पाई बॉन्ड टूट गया और ये किसमें कन्वर्ट हो गया, ओ माइनस में, ठीक है। ये जो कार्बन थी जिसपे नेगेटिव चार्ज था उसने यहां अटैक कर दिया, और यहां पे जो ये हमारा COOET ग्रुप है वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब देखो जो बेस पहले क्या करके गया था, पहले हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके गया था, वो वापस क्या करेगा, यहां पे इस O- को हाइड्रोजन दे देगा, और ये ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा OH ग्रुप में, ठीक है। तो क्या होगा यहां पे कुछ गलती है शायद, एक दो तीन चार, अच्छा ओके एक सेकेंड, यहां पे इसको हम दोबारा बना लेते हैं, एक कार्बन की यहां पे मिस्टेक है, ठीक है। तो यहां पे ये फाइव मेंबर्ड रिंग एज इट इज, ठीक है, वन टू थ्री, और थ्री ये थर्ड कार्बन के यहां से अटैक करेगा, वन टू थ्री ओ माइनस, और यहां पे हो जाएगा क्या, सी एच टू सी ओ ओ इथाइल, ठीक है। यहां पे ये सी एच टू सी ओ ई टी ग्रुप एज इट इज लगेगा, और जो बेस पहले क्या करके गया था, यहां पे हाइड्रोजन को लेके गया था, वही बेस क्या करेगा, यहां पे हाइड्रोजन को दे देगा, क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा, ठीक है। तो देखो यहां पे ये हमारा कंपाउंड बन गया, कब, जब यहां पे बेस ने रिएक्ट किया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, यहां पे हीट करेंगे जब हम, तो जब हम हीट करते हैं यहां पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहां से वाटर मॉलिक्यूल लूज हो सकता है, और यहां पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो सकता है। तो देखो यहां पे क्या होगा, हीट करने के बाद जो ये OH है, ठीक है, वो यहां से क्या करेगा, इस बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और यहां पे किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, इस कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगी, यही हमारा क्या है, यहां पे फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो देखो हमारे पास ये कंपाउंड गिवन था, उसमें हमने क्या ऐड करना था, उसमें हमें सबसे पहले बेस ऐड करना था, उसके बाद हीट करना था। तो जब भी आपके पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड्स गिवन हो और बेस गिवन हो, तो देखो कौन कौन सी वहां पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है जो एसिडिक है, क्योंकि बेस क्या करेगा, सबसे पहले प्रेजेंट हुई वहां पे अल्फा हाइड्रोजन को जो कि एसिडिक है उसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, कार्बन आयन का फॉर्मेशन करेगा, और उसके बाद जितनी भी पॉसिबल वहां पे ये कार्बन आयन एडिशन रिएक्शन शो कर सकता है वो शो करेगा, ठीक है। ये कार्बन आयन यहां पे इंट्रामोलिकुलर अटैक कर सकता था इस कार्बोनिल पे, तो उसने अटैक किया। जो बेस पहले हाइड्रोजन लेके गया था वही हाइड्रोजन देगा, और यहां पे क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा, और जब हम हीट करेंगे तो यहां से क्या होगा, यहां पे अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा, और यहां पे इस कंजुगेटेड हमारी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये हमारा क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है। अगर अपने ऑप्शंस में देखें हम, तो उस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा क्या हो, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा
करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन इस हाइड्रोजन से भी हो सकती थी, लेकिन अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड आता तो फिर वो कंजुगेटेड ना बनता। तो आपने पढ़ा ही होगा ये कि हमारा जो कंजुगेटेड वाले जो एल्कीन्स होते हैं, जो कि कार्बन के साथ कंजुगेशन में होते हैं, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, वो हाइड्रोजन जो होती है वो ज्यादा एसिडिक होती है। इस वजह से हमारा ये जो प्रोडक्ट होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा और हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है 2019 में जेईई मेंस में 9 अप्रैल को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक है। ये हमारे पास रिएजेंट गिवन है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, H2SO4 ऐड कर रहे हैं। अब ये H2SO4 यहाँ पे कैटलिस्ट है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस वर्ड का, कैटलिस्ट है, ठीक है। तो जब भी कोई ईस्टर की जब अब क्या होता है, ईस्टर प्रेजेंट होता है और वहां पे हम एसिड ऐड करते हैं एज ए कैटलिस्ट, तो क्या होता है, ईस्टर की हाइड्रोलिसिस हो जाती है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में और अल्कोहल में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर ये कैटलिस्ट ना होता तो ये H+ जो है ये CH2OH पे भी एक्ट कर सकता था, अटैक कर सकता था। अब क्योंकि यहाँ पे CH2OH CO2 इथाइल, ठीक है। तो जब यहाँ पे हम H2SO4 ऐड करेंगे एज अ कैटलिस्ट, तो वो क्या करेगा, इस ईस्टर बॉन्ड को हाइड्रोलिसिस कर देगा और यहाँ पे ये जो ईस्टर बॉन्ड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में, प्लस में जो हमारा इथेनॉल है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो हमने फर्स्ट स्टेप देख लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो और क्या पॉसिबिलिटी है, देखो यहाँ पे हमारे पास एक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है और एक अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है फिर से। तो जब भी किसी कंपाउंड में कोई एसिड प्रेजेंट हो और अल्कोहल प्रेजेंट हो और एज एन एसिड यहाँ पे कैटलिस्ट भी प्रेजेंट है, तो क्या होगा, इनमें फिर से एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन पॉसिबल है और यहाँ पे इंट्रा मॉलिक्यूलर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन हो जाएगी, तो जो हमारा प्रोडक्ट है वो बन जाएगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे हमारा, CH2 C डबल बॉन्ड O, ये जो होगा ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। उस अकॉर्डिंग अपने ऑप्शंस में देखें हम, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। मतलब पहले क्या था, क्वेश्चन में हमारे पास एक ईस्टर गिवन था और हमारे पास H2SO4 एज अ कैटलिस्ट गिवन था, तो इस ईस्टर की क्या हुआ, हाइड्रोलिसिस हुई, ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, एसिड में और अल्कोहल में, यहाँ पे आएगा ETOH, ठीक है। और इसी कंपाउंड में अब हमारे पास एक एसिड भी प्रेजेंट है और एक ईस्टर भी प्रेजेंट है और हमारे पास H2SO4 एज अ कैटलिस्ट भी प्रेजेंट है, तो ये यहाँ पे क्या होगी, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होगी और ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि यहाँ पे जो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होगी ईस्टर की, उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, ठीक है। मतलब कि जो ईस्टर की हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं वो किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं, बेस की प्रेजेंस में कर रहे हैं, अल्कली की प्रेजेंस में कर रहे हैं, ठीक है। इसकी हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बतानी है, ठीक है। तो ये जो बेस है यहाँ पे, ये बेस क्या करेगा सबसे पहले, अब क्योंकि इसकी प्रेजेंस में है तो ये जो अल्कली प्रेजेंट है यही क्या करेगा, अटैक करेगा। जितनी जल्दी जितना फास्ट ये अटैक करेगा उतना हाइड्रोलिसिस का रेट ज्यादा होगा। तो ये जो OH- है यहाँ पे, ये क्या है, ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो जब ये OH- अटैक करेगा, जितनी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगी यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन की, उतना रेट ज्यादा होगा, क्योंकि उतनी जल्दी तो ये अटैक करेगा। तो बस इलेक्ट्रोफिलिसिटी चेक कर लो, जिस कार्बोनिल ग्रुप की इलेक्ट्रोफिलिसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही क्या होगा, रेट ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि OH- जो है वो उतना ही जल्दी रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हर जगह ईस्टर ग्रुप है, डिफरेंस कहाँ पे है, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है ये जो बेंजीन पे, इसकी पैरा पोजीशन पे जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, ठीक है। अब इस ईस्टर ग्रुप की इलेक्ट्रोफिलिसिटी कब ज्यादा होगी, जब इस बेंजीन रिंग पे क्या लगे होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे होंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा ग्रुप का क्या रोल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट ऑप्शन में तो कोई भी ग्रुप नहीं है पैरा पोजीशन पे, ठीक है। सेकेंड में ये जो सीएल है यहाँ पे, ये सीएल क्या शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। प्लस एम भी शो करता है, लेकिन इसका माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, मेजर होता है, ये आप सब लोगों को पता होगा, ठीक है। तो देखो, और ये जो NO2 है, NO2 माइनस एम इफेक्ट से भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है और ये माइनस आई इफेक्ट से भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, ये भी आप सब लोगों को पता होगा। अब ये जो OCH3 है, OCH3 जो है ये प्लस एम इफेक्ट शो करता है मेजरली, माइनस आई तो होता है लेकिन इसका मेजर जो होता है वो प्लस एम होता है, ठीक है। तो मतलब कि देखो, यहाँ पे जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, ये सेकंड वाले में ये माइनस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है और इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज कर रहा है। थर्ड वाले में ये जो NO2 है, ये माइनस एम से भी और माइनस आई से भी, दोनों से ही क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा है, मतलब कि ये इलेक्ट्रोफिलिसिटी को सबसे ज्यादा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन में ये क्या कर रहा है, प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है और प्लस एम से ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी को
डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, क्योंकि प्लस एम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला कि जितना ज्यादा हमारे कार्बोनिल ग्रुप का इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर ज्यादा होगा उतना ही रेट ज्यादा होगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर किसमें है, थर्ड में, क्यों, क्योंकि NO2 जो है वो क्या कर रहा है, माइनस एम से भी और माइनस आई से भी, दोनों से ही क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर को इंक्रीज कर रहा है। तो फर्स्ट हमारा होगा थर्ड, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, थर्ड की, ठीक है। अब देखो ये क्या कर रहा है, माइनस आई से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज कर रहा है। सेकंड, ये तो डिक्रीज कर रहा है क्योंकि ये प्लस एम शो कर रहा है और यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं है, तो फर्स्ट की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे तो कोई भी ग्रुप नहीं है। देन होगी फोर्थ की, तो हमारे जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगी वो भी यही होगी, जितना ज्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर होगा कार्बोनिल ग्रुप का उतना ही रेट ज्यादा होगा, क्योंकि एल्कली के प्रेजेंस में हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। सबसे पहले बेस क्या करेगा, अटैक करेगा जाके, और वो तभी अटैक करेगा जब इस कार्बोनिल ग्रुप का इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर जो होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा। तो हमारा अगर ऑप्शंस में देखें तो जो हमारा बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है, थर्ड देन सेकंड देन फर्स्ट देन फोर्थ। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है, ये क्वेश्चन देखो 2019 में जेईई मेंस में पूछा गया था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना आपको। देखो वो बोल रहा है कि एक कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर मास है 180, जब हमने उसकी असाइलेशन करी CH3COCl की प्रेजेंस में तो उसने एक दूसरा कंपाउंड दिया जिसका मॉलिक्यूलर मास क्या हुआ, 390 हुआ, ठीक है। तो देखो हमारे पास कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, 180, जब हमने उसमें क्या किया, CH3COCl ऐड किया, तो उसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, 390। और वो बोल रहा है कि इस ये जो कंपाउंड है इसमें क्या प्रेजेंट है, अमाइनो ग्रुप्स प्रेजेंट है, अमीनो ग्रुप्स प्रेजेंट है। तो सपोज कर लो इसका फॉर्मूला क्या है, RNH2 है, ठीक है, जब हमने इसमें CH3COCl ऐड किया तो इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया 390, ठीक है। तो अगर इसका फॉर्मूला RNH2 था, जब ये CH3COCl के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या फॉर्म करेगा, RNHCOCH3, मतलब कि क्या हो रहा है, ये COCH3 तो ऐड हो रहा है और एक हाइड्रोजन का यहां से लॉस हो रहा है, ठीक है, तो क्या फॉर्म हो रहा है, RNHCOCH3 ये फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो देखो अगर हम मास देखें तो ओवरऑल मास गेन, अगर हम ये कंपाउंड जो है, अभी हमने क्या सोचा है कि यहाँ पे एक ही NH2 ग्रुप है, तो जब इस एक NH2 ग्रुप की इसके साथ रिएक्शन होगी तो देखो मास गेन कितना होगा, CH3CO जितना इसका मास है उतना मास गेन होगा और एक हाइड्रोजन का मास कम हो जाएगा, इसका मास होता है 43, ठीक है, और एक हाइड्रोजन रिप्लेस भी तो हो रहा है, तो ओवरऑल मास गेन कितना हो रहा है, ओवरऑल मास गेन हो रहा है एक अमीनो ग्रुप की रिएक्शन से 42, ठीक है। मतलब कि अगर एक अमीनो ग्रुप होता तो 42 जो है उतना मास गेन होता, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ओवरऑल मास गेन कितना हो रहा है, यहाँ पे मास कितना था 390 और यहाँ पे पहले मास कितना था 180, मतलब ओवरऑल मास गेन कितना है, 390 माइनस 180 यानी कि 210, ठीक है, तो 210 टोटल मास गेन हो रहा है। अगर एक अमीनो ग्रुप होता तो 42 मास गेन होता, हमें नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप्स निकालने हैं, तो नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, जितना टोटल मास गेन हो रहा है डिवाइडेड बाय एक अमीनो ग्रुप से जितना मास गेन हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5, मतलब कि टोटल अमीनो ग्रुप्स इसमें कितने हैं, टोटल अमीनो ग्रुप्स है 5, ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन 2013 में जेईई एडवांस में पूछा गया था, ठीक है, क्या इस क्वेश्चन में देखते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास ये कंपाउंड गिवन है, हम इसकी हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं और हीट कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो जब भी एनहाइड्राइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, जब एसिड्स को हीट करते हैं दो एसिड्स को तो एनहाइड्राइड बन जाते हैं, और जब एनहाइड्राइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एसिड्स बन जाते हैं, ये तो आप सब लोगों को पता ही होगा। तो पहले जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे इस कंपाउंड की तो एसिड बन जाएगा, और एसिड क्या बनेगा, देखो यहाँ पे ये जो कार्बन है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये एसिड ग्रुप बन जाएगा और ये एसिड ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें बोला है कि हम क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज हमेशा याद रखना, किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई बीटा कीटो एसिड दिख जाए, कोई आपको बीटा कीटो एसिड दिख जाए और उसको वो हीट कर रहे हो, तो हमेशा क्या होगा, उस कंपाउंड में डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगी, मतलब CO2 निकल जाएगा, ठीक है, हमेशा याद रखना। इसका रीजन मैं एक बार एक और क्वेश्चन आएगा उसमें बताऊंगी ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो जब भी किसी क्वेश्चन में आपको बीटा कीटो एसिड दिख जाए और वहां पे आप हीट कर रहे हो तो वहां पे डीकार्बोक्सिलेशन कर देना, ठीक है। देखो यहाँ पे अब ये एसिड ग्रुप है, ये अल्फा ये बीटा, ये अल्फा ये बीटा, बीटा कीटो एसिड जाइए, ठीक है। तो जब आप इसको हीट करेंगे ना तो ये जो डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगी यहाँ पे, मतलब कि देखो कैसे, ये COOH ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ पे और ये हाइड्रोजन यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा,
मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, CO2 का रिमूवल हो जाएगा और जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हाइड्रोजन जो है दोनों इस कार्बन पे आ जाएगी और यहाँ से CO2 का लूज हो जाएगा, दो CO2 के मॉलिक्यूल निकलेंगे क्योंकि यहाँ पे दो बीटा कीटो एसिड ग्रुप थे। तो हमेशा देख लेना कि कहीं भी आपको बीटा कीटो एसिड दिख जाए और हीट का साइन दिख जाए तो हमेशा क्या करना है, डीकार्बोक्सिलेशन कर देनी है और वहां पे आपको यहाँ पे CO2 का लूज कर देना है। तो ये हमारा कंपाउंड बन गया जब हमने हीट किया, तो फर्स्ट स्टेप तो पूरा हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम हमारे सेकेंड स्टेप पे, जब हम क्या कर रहे हैं, ओजोनोलिसिस कर रहे हैं। तो ओजोनोलिसिस में भी आपको पता ही है, एल्कीन, ये जो एल्कीन वाला बॉन्ड है ये टूट जाता है और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ये कंपाउंड इस तरीके से बन जाएगा। मतलब ये जो बॉन्ड है यहाँ से टूट जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ बन जाएगा, यही करते हैं हम लोग ओजोनोलिसिस में। तो यहाँ पे क्या हुआ, एल्डिहाइड बन गया, सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब थर्ड स्टेप में, थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, H2O2 डाल रहे हैं। तो ये H2O2 क्या करता है, H2O2 का आप सबको पता ही होगा, ये H2O2 क्या करता है, एल्डिहाइड्स को कन्वर्ट कर देता है किसमें, एसिड्स में। इनको हम क्या बोलते हैं, डेकिन ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ये क्या करता है, H2O2 एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देता है किसमें, एसिड में। तो जब हम क्या कर रहे हैं, इसमें एल्डिहाइड्स में जब हम H2O2 डालेंगे तो ये ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में और यही क्या होगा, हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आपको पता होना चाहिए कि जब आप एनहाइड्राइड में एसिड, जब आप एनहाइड्राइड की हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो क्या होगा, कहीं पे भी आपको बीटा कीटो ईस्टर दिख जाए, वहां पे हीट का साइन आ जाए, हमेशा डीकार्बोक्सिलेशन करा देना, ठीक है। और उसके बाद ओजोनोलिसिस तो आप सबको पता ही है, और H2O2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जबकि क्या करता है, एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देता है एसिड में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट जो है पी वो हो जाएगा, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है, ये क्वेश्चन 2004 में जेई मेंस में पूछा गया था, ठीक है। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको रिएजेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। जब भी हम KCN डालते हैं, KCN एक आयनिक कंपाउंड होता है, K+ और CN-, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल होता है CN-, तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस CH2Cl में Cl को रिप्लेस कर देगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा, CN साइनाइड ग्रुप लग जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, हमारा कंपाउंड ए। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर डाल रहे हैं C2H5ONa, ठीक है। मतलब हमने क्या डाला है, हमने एक बेस डाला है C2H5O-। ये बेस क्या करेगा, ये एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन कौन सी है, यहाँ पे ये जो हमारी हाइड्रोजन है वो कैसी है, वो एक एसिडिक हाइड्रोजन है। क्यों एसिडिक है, देखो क्योंकि अगर ये कार्बन आयन बना तो यहाँ पे ये कार्बन आयन जो होता है ये रेजोनेंस के थ्रू इस तरीके से स्टेबलाइज हो सकता है, इसलिए साइनाइड ग्रुप के साथ वाली जो हाइड्रोजन होती है वो कैसी होती है, वो एक एसिडिक हाइड्रोजन होती है। तो जब हम ये बेस इसमें ऐड करेंगे तो इस बेस ने क्या किया, C2H5O-Na ने इसने इस एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया और यहाँ पे किसका फॉर्म हो गया, यहाँ पे एक कार्बन आयन की फॉर्मेशन हो गई, CH-CN, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या बोला इन्होंने, हम ऐड कर रहे हैं C6H5CHO, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता ही है C6H5CHO, यहाँ पे क्या होगा, अब ये जो कार्बन आयन है वो इस सेंटर पे अटैक करेगा, इस तरीके से कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाएगी। तो ये क्या है, C6H5 एज इट इज, CH ये CN ग्रुप एज इट इज, ठीक है। और देखो तब ये यहाँ अटैक करेगा जब, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड टूट जाएगा, CO-C6H5, ठीक है, H, ठीक है, ये बन जाएगा। और जो बेस पहले क्या कर गया था, पहले हाइड्रोजन को ले गया था, वो यहाँ पे क्या करेगा, फिर से प्रोटोनोएशन कर देगा, ठीक है, OH, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये हो गया हमारा कंपाउंड B, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस B कंपाउंड में H3O+ मतलब हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं और हीट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास कौन सा कंपाउंड है, यहाँ पे हमारे पास है CN। तो जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, जब भी साइनाइड ग्रुप की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि ये जो हमारा साइनाइड ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड ग्रुप में। तो ये बन जाएगा क्या, COOH। और यहाँ पे ये OH ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो जब हम क्या करेंगे, OH ग्रुप के अंदर H+ ऐड करेंगे, ये क्या बन जाएगा, OH2+, और जब हीट करेंगे तो वो क्या करेगा, इस कार्बन से हाइड्रोजन ले लेगा और यहाँ पे एक एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो पहले क्या था, ये जो CN ग्रुप था, जब हमने हाइड्रोलिसिस करी और हीट किया, CN ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया, COOH ग्रुप में। OH था, हीट करने पर क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल का वहां से लॉस हो जाएगा उसके साथ वाले कार्बन से हाइड्रोजन लेके, तो एक एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये हमारा कौन सा कंपाउंड हुआ, ये कंपाउंड हुआ C, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस C कंपाउंड में ऐड कर रहे हैं SOCl2, ठीक है।
तो जब हम SOCl2 ऐड करते हैं किसी भी एसिड में तो क्या होता है वहां पे, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, COCl ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, C6H5। ये जो COOH है जब हम इसमें SOCl2 ऐड करेंगे तो ये HCl निकल जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, जब हम क्या करेंगे COOH ग्रुप में SOCl2 ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, वो किसमें सब्स्टिट्यूशन हो जाती है, किससे, OH ग्रुप की Cl से। ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH C6H5 C डबल बॉन्ड OCl। ठीक है, ये बन गया। और SOCl2 ऐड करने के बाद हम क्या ऐड कर रहे हैं, CH3NH2 यानी कि अमीनो ग्रुप CH3NH2। तो ये क्या करेगा, अब अमीनो ग्रुप फिर से सब्स्टिट्यूशन दिखाएगा इस कार्बोनिल पे। ठीक है, और जब ये बॉन्ड यहां जाएगा फिर से ये टूटेगा तो ये Cl निकल जाएगा और कंडेंसेशन हो जाएगी। इसको मैं एक बार यहां पे शो कर देती हूं। ठीक है, हमारा कंपाउंड क्या था, हमारा कंपाउंड ये था C6H5CH डबल बॉन्ड CH C6H5। ठीक है, ये था क्या, COCl। जब हमने COH में SOCl2 डाला था तो किसमें कन्वर्ट हो गया, COCl में। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसकी रिएक्शन कर रहे हैं किसके साथ, CH3NH2 के साथ। ठीक है, ये CH3NH2 में जो नाइट्रोजन है वो क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या फॉर्म करेगा, C6H5CH डबल बॉन्ड CH C6H5 CO माइनस Cl NH2 प्लस CH3। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पाई बॉन्ड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl निकल जाएगा और इधर से H प्लस का लूज हो जाएगा और हमारे फाइनल कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो जो फाइनल कंपाउंड है वो क्या बनेगा, C6H5CH डबल बॉन्ड CH C6H5 C डबल बॉन्ड O NH CH3 NH CH3। ये क्या होगा, हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा D। ठीक है, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है D। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से इसको एक बार बता देती हूँ कि हमारे प्रोडक्ट क्या क्या है। तो A प्रोडक्ट क्या है हमारा, जब यहाँ पे Cl की जगह सिंपली क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा CH2CN। ठीक है, और बी प्रोडक्ट क्या था हमारा, जब हमने क्या ऐड किया, C6H5CHO, तो वो क्या था, C6H5CH, यहाँ पे जब हमने अटैक किया था तो क्या बना था, COOH C6H5। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था, हाइड्रोलिसिस करी थी और हीट किया था। उसके बाद हमने क्या किया था, यहां से जब हमने एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करी थी तो यहाँ पे सी एच माइनस बना था और ये किसमें कन्वर्ट हो गया था, C6H5CHO पे इसने अटैक किया था इस तरीके से। और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, C6H5CH2 ये CN एज इट इज और उसके बाद COOH C6H5, ये प्रोडक्ट बनेगा हमारा। ठीक है, ये प्रोडक्ट कौन सा होगा, B। ठीक है, उसके बाद C में क्या होगा, जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो CN किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में। ठीक है, और उसके बाद SOCl2 ऐड करके जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि जब हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन 2008 में JEE मेंस में पूछा गया था। इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि हमें E बताना है, F बताना है और G बताना है। ठीक है, हमारे पास ये कंपाउंड गिवन है PH डबल बॉन्ड O और ये जो कार्बन है इसको लेबल किया हुआ है आइसोटॉप से, मतलब 13 आइसोटॉपिक कार्बन इन्होंने लिया है। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला था कि जहां पे भी आपको कोई बीटा कीटो एसिड दिख जाए और आप उसको हीट करे तो फिर क्या होगा, आपकी हमेशा क्या हो जाएगी, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो जाएगी। अब ऐसा क्यों होता है उसका एक बार रीजन देख लेते हैं। देखो, जब भी आपको कोई बीटा कीटो एसिड मिल जाए कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो OH ग्रुप है इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, कुछ इस तरीके की ट्रांजिशन स्टेट बनती है। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, यही एक फैक्टर होता है जो यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन के लिए फेवरेबल होता है। कैसे, देखो यहाँ पे क्या होता है, कुछ बॉन्ड शिफ्टिंग होती है एक तरीके की। ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है और ये यहाँ। ठीक है, तो देखो ये बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CO2। ठीक है, प्लस RCOH डबल बॉन्ड C, ठीक है, CH2।
ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे क्या बन गया, ये एक इनोल बन गया और एक सीओ टू बन गई। ठीक है, अब ये इनोल क्या करता है, टोटोमराइज कर जाता है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कीटोन में। मतलब कि बीटा, जो हमारे बीटा कीटो एसिड जो है उनमें सिंपली क्या हो रहा है, ये जो सीओ टू है ये निकल रही है और यहाँ पे हाइड्रोजन आ रही है, यही हो रहा है सिंपली यहाँ पे। तो जब भी आपको कोई बीटा कीटो एसिड दिख जाए और वहां पे हीट का ऑप्शन हो तो क्या होगा, हमेशा वहां पे डीकार्बोक्सिलेशन कर देनी है और हमेशा वहां पे क्या बन जाना है, कीटोन। तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगी और यहाँ पे क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगा, PHC डबल बॉन्ड O CH3 ये बन जाएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, कहीं पे भी आपको बीटा कीटो एसिड दिख जाए और वहां पे हाइड्रोजन हो, वहां पे क्या हो, हीट लगी हो, तो आपको क्या कर देना है, सिंपल कीटोन बना देना है, यहाँ से CO2 का लूज करा देना है और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देना है। तो ये क्या बन गया आप लोगों का, कंपाउंड ई। अब ये आइसोटोपिक हाइड्रोजन थी, इसको हम इस तरीके से लेबल कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं I2 और NaOH। तो ये सब आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, आइडोफॉर्म टेस्ट या फिर आइडोफॉर्म रिएक्शन। इसमें क्या होता है, ये जो आइसोटोप वाली कार्बन है ये निकल जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ प्रेसिपिटेट ऑफ CHI3, आइडोफॉर्म की येलो प्रेसिपिटेट, प्लस ये जो हमारा ग्रुप है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है और बन जाएगा PHCOO-। इसका मैकेनिज्म आप सब लोगों ने पढ़ा ही होगा कि सबसे पहले OH- अटैक करता है, OH- अटैक करेगा इस तरीके से, और उसके बाद जब ये O- वापस जाएगा तो ये क्या करेगा, I2 पे अटैक करेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस कार्बन पे आयोडीन लग जाएगी। ठीक है, इसका मैकेनिज्म आप सब लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो बहुत ही सिंपल आइडोफॉर्म टेस्ट का आइडोफॉर्म टेस्ट है। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चंस थे जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, वो मैंने यहाँ पे डिस्कस करे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और कुछ भी आपको ऐसी रिक्वायरमेंट है, कोई टॉपिक है जिस पे आपको क्वेश्चंस चाहिए, तो उन्हें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। थैंक यू वेरी मच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।